हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोग उनके चोरा दरबार शो में बहुत बहुत स्वागत बा। आज हमारे चोरा दरबार शो में हम हाजिर है एक नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ है शेर बहादुर शेर, जो समाज सेवी तो है ही है, ये किसान नेता भी है। चला जाना जाए इनसे कि लखीमपुर खीरी में जो इतना बड़ा कांड भेल रहा, तो उनके का विचार बा, कैसे इन्हू एक किसान नेता है। तो शेर बहादुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत बा हमारे चोरा दरबार शो में। काहे बा आपका लखीमपुर खीरी केस का लेके? जी अरे भैया, लखीमपुर खीरी लेके जान लिया किसान के साथे बड़ा अन्याय भा। इतनी दर्दनाक मौत भय किसान के, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़े माँ, हाँ अपन हक मांगे माँ, है ना। अब तुम्हें बताओ, आप जो बताए इतना दिन से किसान बेचारे लड़ाते हैं और उनके सरकार सुनत नहीं ना, बैठ के सरकार के सुनक चाहिए। सब कंपनी वाले सुनती बा, सब फैक्ट्री वाले सुनती बा, सब निजी कंपनी के सरकार सुनत बा, इन किसानों के कहना है सुनत बा भाई। अब किसान के साथ ही इतना बड़ा अन्याय है। किसान अपन हक न मांगे, हक मांगे तो गोली पावे, है अधिकार मांगे तो लाठी पावे, है सड़क पर डांट के भगावा जावे, है ये सब जो बात तानाशाही सरकार कर दिया। ये परिस्थिति में किसान देश के अन्नदाता आता है, आज वही जो बातें उपजावी फसल से हमारे हिंदुस्तान पूरा जिंदा बा, वही खाते ही वो ही। और सब अब चुनाव में कहीं किसान अन्नदाता है, और ओकरे बाद जो हमारे किसान के सुने वाला क्यों ना है ना। केंद्र सरकार में मंत्री है, राज्य गृह मंत्री, अब उनके लड़का पोहरा का मुकदमा दर्ज भा। अब देखा गांव में या और कोनो थाना पर मुकदमा दर्ज होते तो पुलिस तुरंत उठा लेते है, तुरंत पकड़ लेते है। अब इतने प्रभाव में आई की पुलिस ना उनका पकड़ दीवा ना कुछ कर दीवा, तब पकड़ी जब कोर्ट जो बातें फटकार सरकार का लगाई कि इतना बड़ा उभा। हाँ अब बताओ, मुकदमा दर्ज हो गया है और उसके बाद आरोपी का नोटिस दी जाए तो कोर्ट उनका फटकार लगाई, कहीं जो बातें उनका पकड़ा कहे इसका जो ही करता है जो बातें बुलावा जाए। ये सब है बड़ी परिस्थिति दयनीय है किसान किसानन के। की मौत हो रही है, भाजपा नेता खत्म भरे है, हथियार जो बातें किसान खत्म भरे। का लागत बा आपके कि आप एक किसान नेता है कि जोन किसानन का इतना दिन से आंदोलन चलत आवत बा, का वो खत्म हो जाए का? ना नहीं, किसान आंदोलन खत्म न तो बढ़त जात बा। अब तो जो बातें अब देखा, आज हर गांव में, हर बाजार में, शहर में सब किसान के जो खत्म भा है उनकी याद में जो कैंडल मार्च सब निकली है, जुलूस निकली है। कहें कि जो बातें किसान हमारे देश की आत्मा थे, उसकी आत्मा की संतुष्टि के लिए जो मृतक हो गए हैं। और पहले देखा वहाँ बॉर्डर पर, गाजीपुर में सिंधु बॉर्डर पर सब जो बात है, कम से कम 500-700 किसान खत्म हो गए हैं आंदोलन करत करत। सरकार के आपका क्या लगत बा, किसान ये जो इतना बड़ा कांड हो गए बा किसान के साथ, तो ऐसे किसान आंदोलन बढ़े या घट जाए? मैंने किसान आंदोलन तो बढ़े का ही आने वाले हाँ। चुनाव में कोनो एक प्रभाव पड़े सरकार पे, हाँ हाँ पूरा प्रभाव जनता पड़े के किस सरकार पे। हाँ तरह से प्रभाव पड़े लगभग? अरे जनता चाहे जब बताओ, किसाने मजदूर एक ना सुनती बा सरकार, है सिर्फ जनबा हम दो हमारे दुख सुनती बा, बड़े पूंजीपतियन सुनती बा। तो भाई कैसे इनका वोट दे, इनके साथ कैसे रहे। आंदोलन के जो बातें नील वाली खेती भर रहा है किसान, 1857 के किसान आंदोलन रहा, 1800 क्रांति, हाँ तो भी किसान आंदोलन हुआ। इससे पहले आप इतिहास देखिए, किसान आंदोलन जब जब हुआ है तब तब जो बातें कौन कौन बदलाव लाइन है किसान है, और किसान हमारे देश की रीढ़ हट है। तो दोस्तों, कैसे लाग हमारे ई चोरा दरबार शो? अगर आप लोगों के पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिया, शेयर करिए, और हाँ कमेंट करे तो बिल्कुल ना भूलिया। कहे से कमेंट करवा तो हमहू को पता चले कि आप लोगों के कैसन लाग। और हाँ, अगर आप लोगों के पास कोनो ऐसा मुद्दा है कि जेका आप लोगों के लागत है कि हमके करे चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट में करके ज़रूर बताइए, हम वो मुद्दा अगले अपने एपिसोड चौरा दरबार में शामिल करब। तो तब तक के लिए दोस्तों लोग हमको इजाज़त दिया, नमस्ते। हम फिर अगले एपिसोड में मिलब कुछ अलग मुद्दा के लिए। धन्यवाद।